और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने वित्तीय अनियमितता पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुद को बेकसूर बताया है, और साथ ही मेहुल चौकसी ने खुद ये भी बताया कि वो एंटीगुआ में ही है। उसने कहा कि एंटीगुआ की नागरिकता लेने में कोई भी गलत काम उसने नहीं किया है। मेहुल चौकसी पर दरअसल पीएनबी घोटाले का आरोप है, और घोटाले के आरोप के बाद से मेहुल फरार चल रहा है। हम सीधे रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी मिल पा रही है मेहुल चौकसी के बारे में, खुद क्या क्या कबूल रहा है? रोमाना, देखिए, जो उसने अपना बयान जारी किया है, बेसिकली एक तरह से उसकी एक सफाई है कि जो उसने एंटीगुआ की नागरिकता लेकर कुछ भी गलत नहीं किया है। फिलहाल वो एंटीगुआ में ही है, और उसके वकील के मार्फत ये सफाई सामने आई है, लेकिन ये सफाई उसके वकील ने किसी भी जांच एजेंसी को नहीं दी है। इसे महज एक सफाई के तौर पर उसके वकील की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसने एंटीगुआ की नागरिकता लेने में कोई परहेज नहीं किया है। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये सफाई जो मेहुल चौकसी की तरफ से पेश की गई है वकील की तरफ से मेहुल चौकसी के, जिसमें कहा गया है कि एंटीगुआ की जो नागरिकता मेहुल चौकसी ने ली है उसमें उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।